लकी विनर होगा उस सब्सक्राइबर को हम हमारे साथ ट्रिप पे भी लेके जाएंगे। तो अगर हम आप भी हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हो तो अच्छे से कमेंट करना गाइस, ताकि आप लोगों को मैं मिल भी लगे, तो उधर कलर पूरा निकल ना जाए, इसीलिए मैंने करवाया है। बट थोड़े से बबल्स रह चुके हैं तो गर्मी के कारण वैसे निकल जाएंगे बबल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज है सैटरडे एंड अभी बजे कुछ सुबह के 10:30। मैं अभी उठ के फ्रेश होकर निकल आया मंदिर जाने के लिए, क्योंकि मैं एवरी सैटरडे तो जाता हूँ वैसे, बट थोड़े 2-3 सैटरडे मेरा स्कीप हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज से चलते हैं, सैटरडे है तो हनुमान जी के टेम्पल चलते हैं, जो वीरवाड़ी हम लोग वैसे जाते रहते हैं फैमिली के साथ और ये सभी। बट आज मैं अकेला ही जा रहा हूँ क्योंकि मम्मी लोग भी बिजी थे, तो मैंने सोचा चल के आते हैं, क्योंकि कार में भी कुछ काम करवाना था तो वो भी हो जाएगा होपफुली। वहाँ जाके जो स्टोर मिल जाएगी रास्ते में, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या करवाना चाहता हूँ एक्चुअली मैं कार में। तो आज है सैटरडे तो मैंने सोचा निकलता हूँ जल्दी से सुबह ही, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बाद में पार्किंग मिलना काफ़ी बड़ा पंगा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भंडारा या सब कुछ भी चलता है, काफ़ी लोग आते हैं वैसे तो। तो अभी तो बजे है कुछ 10:30 बजने वाले हैं सुबह के, तो निकलते हैं अभी तो, एंड होपफुली ट्रैफिक नहीं मिलना चाहिए नवसारी सिटी में। एज ऑलवेज एक ही कंप्लेंट रहती है मेरी नवसारी सिटी क्रॉस करने में, बट हाईवे तरफ से निकल जाएगी तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो आज तो एप्पल वॉच भी बंद हो चुकी है अपनी, क्योंकि मैंने रात को अपडेट की थी इसको, तो बाद में बैटरी चार्ज में लगाना ही भूल गया था। तो कोई बात नहीं, अभी निकलते हैं एंड देखते हैं आगे जाके क्या रहता है, एंड जो रेडियम वाला काम कुछ है मेरे को करवाना वो भी करवा दें, वो भी मैं आप लोगों को आगे पहुँच के बताता हूँ। सो गाइज, मैंने अभी डिसाइड किया है कि सिटी में से ना जाते हुए हम लोग निकल जाते हैं हाईवे के थ्रू, क्योंकि हाईवे से जाएंगे हम लोग तो हम लोगों को ट्रैफिक कम देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं कितना एम्प्टी रोड है अभी तो अभी तो कुछ 11 बज चुके हैं, क्योंकि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो मेरे को वो हैंडल करना पड़ा अभी। तो अभी निकल रहा हूँ, अभी रास्ते में रुक चुका था कुछ आधे घंटे तक, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, अभी इतना तो चलता है। अभी चलते हैं वहाँ पर डायरेक्ट मंदिर पे, एंड होपफुली वहाँ पे पार्किंग मिल जाना चाहिए, वरना पार्किंग नहीं मिलता है ना वहाँ पे तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रहते हैं वहाँ पे, एंड एक्चुअली वहाँ पे है ना जो मेट्रो ट्रेन आने वाली है उसका भी काम चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा बसर मच जाती है। बट कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, एंड रेडियम वाले को भी मेरे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जो डोर के वहाँ पे नीचे करवाना है कुछ, तो मैं आप लोगों को वहाँ पहुँचते ही दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए चाल कार में तो कैसे बता सकता हूँ। एंड गाइज, आने वाले टाइम में कुछ इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा मेरे को इस चैनल पे गाइज, तो डेफिनेटली आप लोगों को ये सब भी देखने को मिलेगा, लाइक इंटरनेशनल ट्रिप भी। तो मैं किधर का तो प्लान कर रहा हूँ वो तो सस्पेंस ही रहेगा जब तक जून नहीं आएगा, क्योंकि जून में प्लान कर रहा हूँ एक्चुअली। तो आप लोग समझ जाना कि वहाँ पे बीच है, एंड आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, एंड काफ़ी पॉपुलर प्लेस है, एंड इंडिया से नज़दीक ही है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, एंड काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ, लाइक गोवा टाइप वाइब है, वो भी आप लोगों को हिंट दे देता हूँ। अभी आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा प्लेस हो सकता है। तो अभी तो जा रहा हूँ मैं टेम्पल टूवर्ड्स, एंड देखते हैं वहाँ भीड़ नहीं होनी चाहिए वरना हमारा कट जाएगा, क्योंकि पार्किंग ना मिले ना तो ही प्रॉब्लम हो सकती है, वरना मैं तो यूजली बाइक पर ही आता हूँ तो मैं ब्लॉग नहीं बनाता हूँ, बट अभी कोई नहीं, देखते हैं वहाँ जाके। एंड अभी गर्मी एकदम स्टार्ट हो चुकी है गाइस, ऑलरेडी चुकी थी बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा है, लाइक बाहर का टेम्परेचर आप लोगों को बताऊँ तो 40 तक पहुँच जाता है दोपहर को, तो अभी तो 34 दिखा रहा है, बट कुछ ही टाइम में 40 तक पहुँच जाएगा, कुछ 1-2 बजे तक में, तो वही एक ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। बट कोई नहीं, अभी तो चलते हैं टेम्पल एंड देखते हैं वहाँ जाके। ये बिल्डिंग काफ़ी मस्त लग रही है, बट काफ़ी महंगे फ्लैट है अभी तो यहाँ पे, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इतने ज़्यादा ब्रिज बनने के बाद तो इतना ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है ना ज़मीन और लैंड सब चीज़ की, लाइक फ्लैट्स और बंगलोज ये सभी की, क्या करें, बट हम तो अफोर्ड कर नहीं सकते। बट इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप लोगों का सांस रहा ऐसा तो कुछ ना कुछ और भी करेंगे, बट अभी तो चलते हैं टेम्पल, बड़ी बड़ी बात बाद में करते हैं। मैं पहुंचने वाला हूं टेम्पल, बट आप लोग देख सकते हैं रोड काफ़ी नैरो है, तो दो कार भी निकल सामने से आ जाती है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए थोड़ा देर लग जाता है, बट रोड एकदम मस्त है गाइस, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है बट एकदम मस्त पीसफुल एरिया है, लाइक फैमिली के साथ आके बैठने का, अकेले भी आओ आप लोग बैठोगे तो आपका माइंड एकदम शांत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइड पे है
कुछ हॉस्टल टाइप, तो ये पूरा कम बंद कर रखा है पूरा, एंड आगे है पूरा ये ऐसा कुछ रोड, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ 4-5 सालों से आ रहा हूँ, बट मेरे को काफ़ी मस्त लगता है, तो वैसे तो मस्त है अंदर। होपफुली भीड़ नहीं होनी चाहिए वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐसे आप लोग देख सकते हैं नैरो रोड पे यही दिक्कत है कि साइड पे मारनी पड़ती है तभी निकलती है। तो चलते हैं अभी एंड पार्क करते हैं कार को। सो गाइस पहुंच चुका हूँ टेम्पल, अभी चलते हैं, ये सब कुछ उठाते हैं सामान एंड निकलते हैं, पहले दर्शन करते हैं, बाद में मिलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अंदर तो शूटिंग शायद से अलाउड नहीं होगी। एंड सामने खड़ी है, आप लोग देख सकते हैं अपनी फेवरेट वरना एज ऑलवेज ये पहले फेवरेट थी, बट जो पुराना मॉडल है अभी आ चुके हैं हमारे पास नया मॉडल, तो हमारी फेवरेट हो चुकी है आज के टाइम पे ये। तो चलते हैं अभी अंदर, ये सब कुछ तो होता रहेगा एंड दर्शन करके जल्दी निकलते हैं। सो गाइज आ चुका हूँ टेम्पल जाके, एंड अपनी सिंड्रेला क्या ही सेक्सी लग रही है, बट काफ़ी गंदी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं धूल मिट्टी काफ़ी लग चुकी है, इसको भी वॉश करेंगे जल्दी से, क्योंकि गंदी कार अपने को वैसे भी पसंद है नहीं, बट जल्दी से जल्दी करवा लेंगे। और यहाँ पे ग्राउंड भी काफ़ी मस्त है बड़ा सा, एंड टेम्पल की जगह ही एक नंबर है। पहले कर देते हैं कार को ऑन, ए सी ऑन करने देते मेरे को पहले, वरना भीग जाऊँगा पूरा पसीना से, और मेरी आवाज़ को क्यों क्या हो गया मेरे को मालूम नहीं, कुछ अलग ही आ रही है, लाइक बीमार हूँ ऐसा, बट ऐसा कुछ है नहीं गाइस। तो यहाँ से चलते हैं अभी रेडियम वाले के पास, जो मेरे को करवाना है वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि ये फूल ये यहाँ से है ना, हम लोग ऊपर चढ़ते हैं लाइक, तो ये यहाँ पे पूरा घिसता रहता है पैर हमारा, इसका फ्लैट है हालाँकि, बट जो नीचे वाला स्टेप होता है ना वो ये वाला, इस पर पूरा घिसता रहता है, तो वो मेरे को पहले करवाना है, क्योंकि कलर निकल जाएगा बाद में काफ़ी गंदा सा लगेगा, तो मैंने सोचा कि वो करवा लेते हैं पहले, क्योंकि ये सब कुछ बाद में दिमाग में रहता है कि कलर निकल गया ये सब कुछ, तो हर लोग तो संभल के बैठते नहीं है, तो किसी का ना किसी का तो पैर लगता ही रहता है। मेरी ही बात सुनो अभी कि मैंने भी काफ़ी बार लगाया है यहाँ पे पैर, तो मेरी भी एक प्रॉब्लम रहती है काफ़ी बार, तो मैंने सोचा कि अभी इसको ठीक करवाते हैं, जो रेडियम वाले से हो पाए तो करवाते हैं, वरना टेल लैम्प में करवाना चाहता हूँ वैसे तो स्मोक ब्लैक में, तो होपफुली वहाँ पे कुछ चीप प्राइस में मिल जाए तो करवा लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लूटते हैं रेडियम वाले भी आज तक, तो टैटू वाले की तरह कुछ इंच पे पैसे ले लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा लूट मचाते हैं हमारे यहाँ। तो मालूम नहीं आपके सिटी में क्या रेट चल रहा है वो ये सब का, तो आप लोग मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ चीप है या एक्सपेंसिव है ये रेडियम वाले का भी कुछ काम। तो अभी चलते हैं रेडियम वाले को ढूंढते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैंने देखा है शायद से वो तो नहीं करके देगा, क्योंकि हर बार मैं कुछ ना कुछ करवाने जाऊँ वहाँ पे बहाना ही होता है उसका, कुछ और ही काम लेके बैठा हुआ होता है, बट देखते हैं वहाँ जाके निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से रोड भी काफ़ी नैरो है, तो आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ अभी रेडियम वाले के पास। और गाइस आज आपके भाई ने पहना है शर्ट, तो ऐसा शर्ट कैसा लगता है मेरे के ऊपर, तो मेरे को जरूर कमेंट करके बताना था कि आने वाले टाइम में और भी मैं खरीदूँ ऐसे शर्ट, क्योंकि अभी तक तो मैंने इतने ज़्यादा जो ऐसे लाइनिंग वाले या सब शर्ट नहीं पहने हैं, बट काफ़ी टाइम के बाद मैंने पहना, एक दो बार ही पहना था इसको, तो मैंने सोचा कि आज पड़ा है ऐसे तो दिख गया मेरे को वार्डरोब में, तो मैंने निकाल के पहन लिया आज, तो कैसा लगता है वो तो मेरे को मालूम नहीं मेरे ऊपर, जो अच्छा लगता है तो मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि H&M में ऐसे कुछ डिज़ाइन वाले काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से उठा लेंगे जब भी H&M जाना हुआ या ऑनलाइन भी, बट मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे शर्ट मेरे पे सूट होते हैं या नहीं होते हैं गाइस। सो निकलते हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग फुल हो जाएगा तो हमारा लग जाएगा घर पे जाने के लिए आधा 2 घंटा इधर ही निकलना पड़ेगा वरना कार निकलते ही, तो अभी निकलते हैं घर पे, सॉरी रेडियम वाले के पास। माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि मैं स्मोक ब्लैक कर रहा हूँ, जो पीछे वाली टेल लाइट है वो थोड़ी सी इलीगली होती है, बट चल जाए अभी तो इतना दो, तो अभी मैंने एक जगह पे कॉल करके पूछा है, बट उन्होंने तो मेरे को ना बुलाया कि नहीं होती है हमारे वहाँ, तो यहाँ नज़दीक में भी एक है रेडियम वाला, उसके पास चलते हैं एंड वहाँ पूछते हैं कि स्मोक ब्लैक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, वहाँ से करवा लेते हैं, तो उसको कॉल करते हैं एंड पूछते हैं, अदरवाइज़ मेरे को सिटी में नहीं जाना पड़ेगा, जैसे ही मैं रोड से आया वहाँ से निकल जाऊँगा जो दूसरे रेडियम वाले के पास, तो चलते हैं वहाँ पे रेडियम वाले के पास एंड देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो गाइस आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि जैसे मैं डेली ब्लॉग्स डालूंगा ऐसे ही, तो ट्राई करता हूँ कि अच्छे से डाल पाऊँ, क्योंकि जो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा डेली ब्लॉग्स, तो क्या ही इंटरेस्टिंग होते हैं किसी के भी, इतनी लैविश लाइफ तो है नहीं हमारी कि मैं डेली कुछ नया नया खरीदूँ और आपको बताऊँ यह सब कुछ, तो व्यू के चक्कर में मैं नहीं पड़ता हूँ अभी गाइस, सिर्फ आप लोगों के साथ कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी आने वाले टाइम में मेरे साथ कनेक्ट रह पाए। तो मिलते हैं अभी रेडियम वाले के पास, क्योंकि वहाँ पे मेरे को कॉल भी करना है उस रेडियम वाले को, एंड देखते हैं
जाके कि क्या माहौल बनता है, क्या डिसाइड होता है हमारा। जब भी मैं गया था एक सिरेमिक वाले को मिलने के लिए, बट मेरे को इससे जितना अच्छा नहीं लगा वहाँ का। जो उन्होंने मेरे को कुछ डेमो तो दिखाया नहीं, बट उसने जो डेमो करी हुई कार थी उसका फोटोज दिखाया, बट इतना ग्लॉस मेरे को देखने को मिला ही नहीं। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सूरत में मैंने काफ़ी जगह पे छानबीन करी थी इसके बारे में, तो मेरे को तो सूरत वाला ही बेस्ट लगा गाइस अब तक का, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मस्त था, लाइक क्वालिटी भी वो लोग अच्छी यूज़ कर रहे थे। तो हम लोग रखेंगे तो सूरत में ही रखेंगे, अदरवाइज नवसारी में तो नहीं रखेंगे, क्योंकि नवसारी में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट कोई है नहीं सिरेमिक के सब के बारे में। और ये कैमरा मैंने प्लेस तो किया है बट काफ़ी ज़्यादा डोल रहा है, तो थोड़ा सा शेक ही आ रहा होगा, तो सॉरी फॉर दैट गाइस, क्योंकि क्या कर सकते हैं अभी। एंड गर्मी तो इतनी ज़्यादा है ना गाइस, मैं अभी गया था टेंपल, आप लोगों को मालूम ही है कि मैं टेंपल जाके आया, बट भाई मेरी फट गई इतनी ज़्यादा गर्मी, आप लोगों को क्या बताऊँ। बट अभी क्या कर सकते हैं, मंदिर जाना तो अनिवार्य है, क्योंकि माइंड को शांति मिलती है, मन को भी, एंड थोड़ा सा अंदर से रहता है कि हाँ कि कुछ तो उखाड़ा है मंदिर जाके, क्योंकि मंदिर जाना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि मैं जैसे ही टेंपल जाता हूँ ना मेरा माइंड एकदम शांत हो जाता है, लाइक मैं वैसे काफ़ी गुस्सा वाला हूँ, बट जैसे ही मैं टेंपल जाता हूँ मेरा माइंड एकदम शांत रहता है। तो मैंने सोचा डिसाइड किया कि अभी से एवरी सैटरडे जाएंगे हम लोग, अगर यहाँ तक नहीं आ पाए तो विलेज में भी काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स हैं वहाँ जाएंगे, बट पूजा पाठ करना ज़रूरी है। सो गाइस अभी जा रहा हूँ रेडियम वाले के पास, एंड मैं सोच रहा था कि टेल लाइट को स्मोक कराऊँ, बट उसका भी एक पंगा हो चुका है कि उसको मैं स्मोक ब्लैक नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो इलीगली है। एंड मैंने अभी वहाँ पे मैं गया था जो डिटेलिंग डिटेल्स के किया था उसको, वहाँ जाके मैंने पूछा तो उसने तो बोला कि स्मोक ब्लैक मत करवाओ, हो जाता है बट रात को विजिबिलिटी कम हो जाती है आपकी लाइट की, तो एक्सीडेंट होने के भी चांस है। लूप में अच्छा लगता है बट हमारा क्या है रनिंग हाईवे पे भी है रात को भी, तो वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता मैं कि कुछ होए रात को, क्योंकि पीछे वाले आए तो उसको भी थोड़ी सी विजिबिलिटी तो होनी चाहिए ना लाइट की कि किसी बंदे ने ब्रेक मारी है या नहीं मारी है, क्योंकि टेल लाइट पे ही पूरा चलता है गेम हाईवे पे रात को, तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो अभी चलते हैं नवसारी एरो जा रास्ता, वहाँ पे चलते हैं रेडियम वाले के पास, एंड रेडियम वाले को पूछते हैं कि भाई करके दे वो मेरे को डोर पे। उसने तो बोला है कि हो जाएगा, लेकिन आपकी कार गंदी नहीं होनी चाहिए, बट गंदी तो होती ही है क्योंकि जब हम लोग पहुँचे वहाँ तो गंदी तो होएगी ही, इतने में तो वॉश कर लेगा वो इतना पार्ट एंड लगा के दे देंगे रेडियम। तो देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, क्योंकि अभी तक गर्मी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो व्लॉग में ऐसे जितना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा होगा गाइस आप लोगों को, बट आने वाले टाइम में मैं कुछ और नया ट्राई करने की कोशिश डेफिनेटली करूँगा आप लोगों के लिए। तो अभी चलते गाइज, यहाँ से मैंने वो तो करवा लिया डोर पे, सिर्फ आगे वाले पे ही करवाया है, पीछे वाले पे नहीं करवाया, क्योंकि आगे वाला कितने देर तक टिकता है वो देखते हैं, बाद में पीछे भी करवा लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप लोगों को मैं रेकमेंड करता हूँ यहाँ पे टैटू फॉरएवर पे, हाईली रेकमेंडेड प्लेस है, क्योंकि काफ़ी मस्त काम करते हैं बंदे, एंड मेरे को काफ़ी मस्त लगा यहाँ से। तो अभी चलते हैं एंड निकलते हैं पहले घर पे, एंड करते हैं इस वीडियो को एंड गाइस। तो मिलता हूँ आप लोगों को अभी रास्ते में डायरेक्ट। मैंने वहाँ से करवा के निकल तो आया हूँ, बट मैंने अभी रास्ते में रुका है क्योंकि आप लोगों को दिखा दूँ कि वो लोगों ने क्या किया है। एक्चुअली कुछ किया नहीं है ज़्यादा, इस पर सिर्फ टैपिंग करी है यहाँ पे रैपिंग टाइप की, ताकि इधर कोई भी आए और ऊपर चढ़े तो पैर लगे तो उधर कलर पूरा निकल ना जाए, इसीलिए मैंने करवाया है। बट थोड़े से बबल्स रह चुके हैं तो गर्मी के कारण वैसे निकल जाएंगे बबल्स। तो अभी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका हूँ, क्योंकि 1:30 बज चुके। आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं कुछ 11 बजे तक पहुँच गया था टेम्पल, मैं भी भूल गया कितने बजे पहुँचा था टेम्पल, बट कोई नहीं, अभी पहुँचते हैं घर पे, खाना खाते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने लंच भी नहीं करा है। सो इसी के साथ ही इस वीडियो को करते हैं एंड गाइस, क्योंकि अभी तो काफ़ी ज़्यादा काम है, शाम को भी शायद से मैं शूट करूँगा वीडियो एक जो आप लोगों को मिल जाएगा मंडे को, बट मंडे को शायद से ईद भी है, तो मैं ईद के दिन उबैद भाई के घर पर भी जाऊँगा, तो वहाँ भी ब्लॉग बनाएंगे हम लोग डेफिनेटली। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड गाइस,
आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये पूरा वीडियो। अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकॉन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। जो मैं डेली व्लॉग डालूंगा गाइस तो ऐसे ही कुछ आएंगे वीडियोस, लाइक कुछ छोटा मोटा काम करवा लिया, कुछ शॉपिंग करने निकल गया, यही व्लॉग आएगा, तो आप लोग भी मेरे लाइफ के साथ रिलेट कर पाएंगे। सो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना जरूर करना गाइस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और नए वीडियोस क्रिएट करने के लिए। एंड ट्रैवल वीडियोस भी डेफिनेटली आने वाले हैं गाइस। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बंदा कब से कह रहा है कि ट्रैवल वीडियोस आएंगे, बट श्योर अभी तो आएंगे गाइस, बट मैं थोड़ा सा प्रिपेयर कर रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए अभी। तो मैंने आप लोगों को वैसे तो हिंट दे दी है इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में भी, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सी कंट्री हो सकती है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। फिर कुछ हम लोग गिव अवे विनर भी रखेंगे इसके ऊपर, एंड वहां से आने के बाद हम लोग और एक रोड ट्रिप करेंगे, वहां हम लोग जो भी एक लक्की विनर होगा उस सब्सक्राइबर को हम हमारे साथ ट्रिप पे भी लेके जाएंगे। तो अगर हम आप भी हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हो तो अच्छे से कॉमेंट करना गाइस, ताकि आप लोगों को मैं मिल भी पाऊंगा एंड आप लोगों के साथ ट्रैवल भी कर पाऊंगा। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, साइनिंग ऑफ वेंडरिंग लायन।